हाँ दोस्तों दोस्तों आज मैं घर जा रहा हूँ और कंपनी से 5 दिन का छुट्टी मिला है, तो सोचा क्यों ना हम घर से घुमाते हैं ना। 5 दिन घर में बैठे क्या करें, रूम में बैठे बैठे बोर हो जाऊँगा, इसलिए हमने तय किया है कि हम घर जाएंगे आज और 4-5 दिन के अंदर अंदर हम आ जाएंगे। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। पिछली बार हम गए थे ट्रेन में और अब की बार हम जाएंगे बस से, ठीक है। तो चलिए यहाँ से बासठ जाते हैं, फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। भैया कैसे दे रहे हो प्लेट? 20 रुपये प्लेट भैया। भैया एक प्लेट लगाना, एक प्लेट लगाओ। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं ये भटूरे का दुकान है, तो यहाँ से जो है हम भटूरे खा के तभी रवाना होंगे, ठीक है। यहाँ से तो भूख लगी है, सुबह खाना खा के भी नहीं आया, तो यहाँ से हम थोड़ा बहुत खा लेते हैं, ठीक, उसके बाद चलते हैं। फाइनली हम पहुंच गए सेक्टर 62, ये देखिए ये 62 है। यहाँ से जो है हमें ऑटो में बैठना पड़ेगा आनंद विहार जाने के लिए, तो यहाँ से हम एक ऑटो ढूंढ के जो है बैठ जाते हैं। वैसे ऑटो तो मिलता रहता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होता है, तो चलिए ऑटो में बैठ जाते हैं और आनंद विहार जाके ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो हम बैठ गए ऑटो में और हम यहाँ से जाएंगे आनंद विहार और वहीं जाके फिर हमको। फाइनली मैं आनंदगढ़ पहुंच गया हूं, ये देखिए ये जो है ये पुल पार करके जो उधर जाना पड़ेगा वहीं से जो है बस मिलेगी, तो चलिए वहीं पे जाके मिलते हैं। ये देखिए ये पुल, यहां से जो है ना पॉकेट कट बहुत होता है, पॉकेट मार लेते हैं यहीं से, तो सावधानी से जाना पड़ता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। मैं जो है आनंदगढ़ अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा जो है उसमें मैं पहुँच गया हूँ अंदर। ये देखिए ये आनंद जो है बस अड्डा है और ये बगल में पीलीभीत का बस भी खड़ी है ये, तो यहाँ पे हम ये बैठ जाएंगे। दोस्तों आनंद विहार से लगभग 8 बजे बस चलना स्टार्ट हुआ था और अभी जो है लगभग 10:30 बज रहा है, तो अभी जो है यहाँ पे रुका हुआ है गाड़ी, तो यहाँ पे लंच वगैरह जो भी करना है सब करेंगे यहाँ पे, तो आधा घंटा यहाँ रुकेगी बस और उसके बाद फिर चलना स्टार्ट होगा। तो चलिए यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे जो भी किसी को मतलब कुछ खाना होता है यहाँ पे जो है खाने का सिस्टम सब कुछ बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो सब बसें खड़ी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अभी ये स्टार्ट होगा फिर चलने के लिए, तब जाके जो है फिर पहुँचेंगे हम पीलीभीत। आखिर मैं पीलीभीत पहुंच गया हूं, तो चलिए थोड़ा टाइम और लगेगा और इसके लिए हमें बस पे या ऑटो में बैठना पड़ेगा, 15 किलोमीटर है, तो चलिए फटाफट बैठ जाते हैं, देखते हैं कहां मिलता है, कहां, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मैं बैठ गया हूं, तो पीछे गाना चल रहा है, तो अभी रुक देते हैं वरना कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है, फिर दिक्कत हो जाएगी, चलिए काट देते हैं। आखिर पहुंच गया, ये देखिए पहुंच गया हूँ मैं अपने गांव में, ये बस अड्डा है, ठीक है, अभी हमें उस पर जाना होगा। चलिए निकल जाते हैं। तो ये जो है हमारे गांव का बस अड्डा है, तो यहाँ ये जो ऑटो है ना यहीं पर यहीं तक आती है, तो यहाँ से जो है 1 किलोमीटर है, तो यहाँ से हमें पैदल जाना होगा। हम ऑटो से भी जा सकते हैं, ये देखिए मैजिक ओ क्या कहते हैं टुकटुकी वो सब खड़ी है, खड़ी रहती है ये हमेशा। तो चलिए यहाँ तक 1 किलोमीटर है, यहाँ तक हम पैदल चले जाएंगे। तो दोस्तों अभी दिल्ली से लेके अभी तक ये हमारे गांव तक 8-9 घंटे लग गया आने में, अब बताओ इतना स्लो चला रहा था ड्राइवर,
तो दोस्तों ये ब्लॉग बनाने में ना बहुत बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ यार आप देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर पसंद आता है इस तरीके का ब्लॉग अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए, घंटी वाला जो आइकन है उसको भी दबा लीजिएगा ताकि आपको ये वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए हमारे गांव हम चलते हैं यहाँ से और यहीं पे एंड करें कि घर तक ले चले चले, जब यहाँ तक आ गए तो घर तक ही ले चलते हैं। चलिए तो दोस्तों मैं घर पे पहुँच गया हूँ, ये देखिए अभी मैं यहाँ से जाने वाला हूँ अंदर, या आ गया अमन 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 आजा पप्पा आजा पप्पा आजा आजा आ पप्पा हैं। आता बाय बाय कर दो, बोलो मेरा पिताजी आ गए, मेरे पिताजी आ गए। तो दोस्तों ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।